ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू रियलिस्टिक हॉर्स फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ना बस कंप्लीट वॉच कर लेना एंड आपको मैं सिखाऊंगा कि गाइस आपको मतलब कैसे एडिट करना है एंड आपको एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी आप जो है मतलब एडिटिंग करोगे तो आपको एकदम इजी स्टेप में आप एकदम कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है अपने मॉडल को। तो यहाँ पे गाइस मैं मॉडल को ऐड कर लेता हूँ, एंड गाइस यहाँ पे जो मॉडल का मैंने जो मतलब बैकग्राउंड अभी मैंने परफेक्ट तरीके से रेज नहीं किया, तो उसमें थोड़ा सा बाइक वाइक जो भी मैं रेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है आप सभी के सामने। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि गाइस हमारा जो मॉडल वो अच्छे तरीके से एकदम हॉर्स के ऊपर बैठा ही नहीं बैठा है, ठीक है। तो हम इसको ओपेसिटी कम ज़्यादा करके हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं आप सभी को भी, एंड जरूरी नहीं है गाइस कि आप लोग भी बाइक पे बैठ के आप फोटो को क्लिक करवाओ, आप कहीं भी बैठ के आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। किसी वॉल वॉल पे भी आप वहाँ पे बैठ के क्लिक करवा लेना। तो आप गाइस देखिए अब बात आती है हमारे यहाँ पे इरेज़ की, तो हम इरेज़र टूल में जाएंगे, यहाँ पे हम इरेज़र टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पार्ट जितने भी सबको हम यहाँ से हम जो फटाफट से इरेज़ कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट करता हूँ, ठीक है गाइस। एंड गाइस आप लोगों को जो एकदम आराम आराम से करना है, क्योंकि गाइस क्या है ना कि अगर आप आराम से करोगे जितना टाइम आप मतलब एडिटिंग को दोगे उतनी बेस्ट आपकी जो फोटो है उतनी बेस्ट एडिट होगी, है ना। और ज़्यादा बेस्ट एडिट होगी तो आपको पता ही है फिर यार इंस्टाग्राम में तो फिर आपके नाम गूंजेगा, है ना यार, आपके साथ साथ फिर यार तुम्हारे भाई को भी गर्व होगा यार मैं आपको वो सिखा रहा हूँ एंड यार आप लोग भी मतलब इतना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे को टैग जरूर करना, ठीक है, उस फोटो में कि मतलब आपने एडिट किया तो आप मेरे को टैग जरूर करना, क्योंकि मैं भी तो देखूँ यार आप लोग कैसी एडिट कर रहे हो, है ना। तो आप लोग मेरे को टैग जरूर करना। तो बाकी अब मैं इसको फटाफट करता हूँ, फिर आप सभी मिलता हूँ मैं आपको आप इस इरेज करने के बाद। ओके गाइस तो यहाँ पे तो देख ही सकते हैं अब हमने जो इतना मतलब इरेज कर लिया है इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा इतना क्या हो गया कि अभी तो हमने मॉडल को यहाँ पे बस अभी जो इसका बैकग्राउंड इरेज किया है, ठीक है। अभी तो इसमें मतलब यार शेडो बनानी है ना, पीएनजी पार्टिकल्स वगैरह लगाने, तो अभी गाइस देखिए हमारा जो मॉडल है ना अच्छे से अभी बैठा नहीं, तो अभी इसको हम ढंग से बैठाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ इस टाइप से। अब गाइस जो है हमारा मॉडल एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है, हॉर्स के ऊपर। अब गाइस इसमें है एक चीज़ और अब बनानी है शेडो, तो शेडो बनाने के लिए आपको करना है आपको जाना ऐड फोटो में, एंड ऐसा आपको जाना है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है ये लेना है, एंड उसके बाद आपको उसको करना ऐड। ऐड करने के बाद आपको उसका साइज इंक्रीज करना है। इरेजर टूल में जाना है आप सभी को, फिर उसके बाद इरेजर टूल में जाने के बाद आपको उसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड फोटो को इंक्रीज जूम करके आपको जो नीचे की साइड में आपको कुछ स्टेप से जो शेडो को क्रिएट करना है, एंड आपको जो है मतलब कि आपको जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए आपको वहीं वहीं पे पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि देखिए हमें इस साइड में ज़्यादा डार्क चाहिए तो हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, एंड उसके बाद हमें इस साइड में भी शेडो चाहिए तो इस साइड भी हम पेंट करेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड जो गाइस मैं आपको इस तरीके से शेडो बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से आता है ड्रॉ टूल से कई लोग बनाते हैं ना, तो वहाँ से भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से ही बनाओ बस हमें यार शेडो चाहिए, ठीक है। तो कैसे भी मतलब बनाना है आपको पर अच्छी तरीके से बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसकी जो ओपेसिटी हल्की सी कम करनी है अराउंड 89 तक कुछ रख लेनी 80-90 तक, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको थोड़ा मॉडल लेना, मॉडल का थोड़ा एडजस्टमेंट करना, जैसे कि देखिए मॉडल की जो ब्राइटनेस है हम हल्की से इसको कम करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो इसको कम ज़्यादा करके देखेंगे कहाँ पे बेटर लग रहा है, तो इसको माइनस में सही लगा तो माइनस कर लेंगे। हाईलाइट्स लेंगे, हाईलाइट्स का जो इसको भी हम थोड़ा माइनस कर लेंगे। अब गाइस देखिए शेडो, शेडो है जो हम इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम इसको करेंगे डन। अब इतना हो जाने के बाद आपको गाइस जाना अगेन ऐड फोटो में, एंड यहाँ पे आपको ऐड करना है एक पार्टिकल का पीएनजी, ठीक है, तो इसको हम डन कर लेते हैं। अब गाइस चलते हैं हम ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ये वाला पार्टिकल का पीएनजी ऐड करेंगे, एंड इसको ऐड करने के बाद आपको ये करना है आपको उसको कर देना है ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, एंड स्क्रीन करने के बाद जो आपको उसको फुल स्क्रीन करना है पूरा स्क्रीन करके, एंड इसको ऊपर की तरफ रख लेना है कुछ इस टाइप से, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है डन।
ठीक है। तो अब गाइस देखिए हमारा जहाँ पे पिक्सार्ट का जितना भी काम था हमने यहाँ पे कर लिया, इसको कलर करेक्शन करके और भी अमेजिंग बनाना है, तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब गाइस हमने फोटो को इसमें पहले से ऐड कर रखा था, तो अब आप जाएंगे यहाँ से हम डायरेक्ट लाइट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, हाईलाइट को माइनस कर देंगे, शेडो जो है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, व्हाइट जो है गाइस इसको इंक्रीज कर देंगे, जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कलर्स में, यहाँ पे हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर जो फोटो का हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे। एंड इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एंड जो सैचुरेशन है हम इसको थोड़ा कम करेंगे एंड जो ल्यूमिनस हम इसको बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे डार्क ब्लू में, हम इसका जो ब्लू कलर का सैचुरेशन हम इसको माइनस कर देंगे, ताकि मतलब कि हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, हेयर्स वगैरह पे भी आ रहे हैं। तो अब देखिएगा हमारा जो स्काई है हम उसके में स्काई ब्लू में हम जाएंगे, इसका ह्यू बढ़ा देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड कर देंगे डन। फिर जाएंगे हम गए मिड टोन में, ठीक है, मतलब मिड टोन में नहीं, थ्री पॉइंट्स वाले जो है इसमें जाएंगे एंड उसका जो इसका ह्यू है इसको ले जाएंगे हम यहाँ से ब्लू कलर में, इसका सैचुरेशन जो इसको वहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ब्लू कलर में बेटर लग रहा है, ठीक है, तो हम इसे ब्लू में रखेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे हम ले जाएंगे इसको मिड टोन में, मिड टोन में जाने को सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड इसको भी ले जाएंगे हम ब्लू टोन में, ठीक है। फिर उसके बाद कर देंगे डन। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाला टूल में, नीचे वाला टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, सॉरी शार्पनेस क्लियरिटी एंड क्लियरिटी के बाद आपको विग्नेट मिलेगा, आपको उसमें विग्नेट डाल देना है, ग्रेन आउट जो है आपको उसको यहाँ पे उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको यहाँ पे फिर नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ा देनी है और फोटो में नोट रोशन डाल देना है, इसके नीचे आपको कलर नोट रोशन मिलेगा, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चैनल मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।